बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा था कि महालक्ष्मी का मूल मंत्र है रीम, एक अक्षर। लक्ष्मी का मूल मंत्र है रीम, तो भगवान नारायण का भी एक छोटा सा मंत्र है और वो है राम। रीम से ही राम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो रीम कहो या राम कहो, सीता कहो या राम कहो, तो रीम राम ये लक्ष्मी नारायण का ही तो मंत्र है। तो देखिए, अब ये कहीं सोचा नहीं था, मगर तो विचार आया कि रीम से ही राम बना होगा, और व्याकरण की दृष्टि से भी होता है। रीम और राम दोनों में रकार है, मतलब दोनों एक शक्ति है। लक्ष्मी और नारायण दोनों अलग नहीं है, दोनों एक जैसी शक्ति है। तो वहां लक्ष्मी ने सब बातें की, प्रभु ठीक है आप मुझे कहते हो कि मेरा नजरिया, परंतु जो भी हो प्रभु आपने गलत किया है, आपको ब्राह्मण के चरण नहीं पकड़ना था। भगवान ने समझाया कि मैंने उसके उनके चरण पकड़े, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे छोटा हो गया, उनके अंदर पड़े हुए सद्गुण को ही मैंने प्रणाम किया है और कुछ नहीं है। और इतना कहा तो बातें बढ़ गई, आप सही मैं सही, आप गलत मैं गलत, बातें करते 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 लक्ष्मी जी का झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने घर छोड़ दिया। बोलो जैसे कृष्ण। अब ये तो लीला थी प्रभु की। ठीक है प्रभु, जाइए आप आपके विचार के साथ रहिए और मैं मेरे विचार के साथ, मेरे विचार सही है या नहीं ये प्रमाणित करने के लिए और मैं मेरा आत्मदर्शन करने के लिए मैं पृथ्वी पर जाकर साधना करने जा रही हूं। प्रभु मैं जाऊंगी बैठकर तप करूंगी और तप करके मुझे पता चलेगा मैं गलत हूं या आप गलत हैं। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी अपने स्वरूप में पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी पर और कोई जगह नहीं, आज जहां पर मां भगवती का दिव्य मंदिर है कोल्हापुर महालक्ष्मी का, उसी जगह पर कोल्हापुर पर आई महालक्ष्मी और मां भगवती महालक्ष्मी उसी जगह पर विद्यमान हो गई। साधना करने बैठ गई, आंखें बंद की और अब अंदर ही अंदर ओंकार का जप करते 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 महालक्ष्मी ने साधना शुरू की। साधना हो रही थी, इतने में एक गौपालक अपनी गायों को लेकर निकला और गाय को लेकर जा रहा था, और जाते 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 गाय को चरा रहा था और गाय इधर उधर घास खा रही थी, और उसमें इसकी नजर महालक्ष्मी पर पड़ गई। दूर से देखा तो एक स्त्री बड़े सुंदर अलंकार धारण किए है, सुंदर पट्टू वस्त्र रेशमी साड़ी पहनी है और दोनों हाथ अपने पैर पे रखते रखकर आंख बंद करके कोई देवी साधना कर रही है। गाय वाला विचार करने लगा कि आज तक तो ऋषि मुनि ही साधना करते थे, ये स्त्रियों ने साधना कब से शुरू कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये है कौन, जरा सा नजदीक गई तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, परंतु महालक्ष्मी तो साधना में थी, आंखें बंद थी, समाधि में थी। अब उनको कैसे जगाया जाए, तो महालक्ष्मी को जगाने के लिए वो गाय चराने वाले व्यक्ति को बंसी बजाना बहुत आता था, तो उन्होंने क्या किया, अपने दो चार और गोपालक थे उनको बुलाया, बोले आसपास में बैठ जाओ मैं बंसी बजाता हूं, तुम दो पत्थर ले लो और पत्थर कटक कटक करके कुछ नाद निकालो, आवाज निकालो। किसी ने थाली ले ली और टन टन करते हुए तीनों ने मिलकर सुंदर माँ भगवती के आगे संगीत आराधना शुरू कर दी, संगीत बजाया। इसलिए ध्यान दीजिए सज्जनों, माँ भगवती लक्ष्मी ये संगीत प्रिय है, उनको संगीत बहुत प्रिय है, इसलिए महालक्ष्मी ये विद्या का रूप भी है। जब अलंकार होता है महालक्ष्मी का, उस समय पट के बाहर बैठकर संगीत गाने की एक परंपरा है हमारी। आप देखिए हमारे मंदिर में जब हम अभिषेक करते हैं तो अभिषेक के बाद में जब हम अंदर अलंकार करते हैं तो बाहर बैठ के लोग भजन गाते हैं, संगीत करते हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। संगीत सुना और महालक्ष्मी की आंखें खुल गई, समाधि टूटी। देखा तो आगे दो चार लोग बैठकर कुछ सुमधुर संगीत बजा रहे थे, वेणुनाद कर रहे थे, बंसी बज रही थी। सुंदर आवाज देखकर महालक्ष्मी ने कहा कि सज्जनों आप कौन हो। इन लोगों ने प्रश्न किया, हम कौन है ये मत कहो देवी, आप कौन हो। देवी ने कहा मैं कौन हूं, जानोगे तो पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, नहीं देवी बताओ आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं महालक्ष्मी हूं और महालक्ष्मी यहां पर महालक्ष्मी के रूप में मैं साधना करने आई हूं। उन्होंने कहा हम तो मानते ही नहीं, हमको विश्वास ही नहीं है। बोलो जैसे कृष्ण। बोलो महालक्ष्मी हमारे छोटे से गांव में और वो भी जंगल में।
पर हमने तो सुना है कि लक्ष्मी बिना नारायण के कहीं जाती नहीं है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि बात तो सही है, एक काम करती हूँ, अनजान बनकर उनके अंदर रहकर देखती हूँ कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो कहा जाता है कई दिनों तक महालक्ष्मी वो गौपालक की पुत्री बनकर उनके घर गई। बोले मेरे माता पिता कौन है मुझे पता नहीं, मैं खो गई थी तो यहाँ भगवान का नाम ले रही थी, एक काम करो आप मुझे मेरे घर ले जाओ। कहा चलो मेरी पुत्री बनकर रहे ना, और महालक्ष्मी पुत्री बनकर गई। सज्जनों विचार करो, जिसके घर लक्ष्मी पुत्री बनकर आए उसके घर में कोई कमी रहेगी? जिस दिन लक्ष्मी ने ये गोपालक के घर में अपने चरण रख दिए और चरण रखते ही घर की सुंदरता धीरे 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 बढ़ने लगी, पता ही नहीं लगा कब समृद्धि बढ़ गई। समृद्धि का मतलब ये मत समझना कि गोपालक के पास पैसे बढ़ गए, बोलो जय श्री कृष्ण। गोपालक का धन था गाय, गौपालक का धन था अन्न, और गौपालक का धन था अपना परिवार। सबसे बड़ा धन तो अपना परिवार है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। उससे भी बड़ी एक संपत्ति है और वो है विद्या। विद्या जैसी संपत्ति दुनिया में नहीं है कहीं, इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशस्सुख करी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज्य सुपूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या व्यक्ति का उत्तम रूप है और उत्तम धन है। इंडिया से अमेरिका आते समय यदि हमारे जेब में रुपये है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परंतु आते समय यदि हमारे दिमाग में विद्या है तो विद्या को बिल्कुल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञान वहां से लेके आए साहब, वो ही ज्ञान आपको यहाँ बिल्कुल वैसे ही काम लगेगा। विद्या बंधु जना विदेश गमने, यदि आप विदेश में चले जाते हो तो विद्या आपका भाई बन जाता है, विद्या आपका परिवार बन जाता है, और उसी विद्या के नाते आपको भी लोग अपना परिवार समझने लगते हैं। बाकी 3 साल पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था, बोलो जय श्री कृष्ण। आज मैं हूं, कृष्णा जी यहां पर है तो सब गुजरातियों को पता है कृष्णा जी को ढोकला अच्छा लगता है, और पूरे साउथ इंडियन को पता है मुझे ढोसा अच्छा लगता है। तो हमारे 2-4 लोग तो ऐसा ही है, जैसे लक्ष्मी जी मतलब 4-5 लोग है, जब उनके घर में वो खीरा बनता है तो एक थैली हमारे घर आ जाती है। अब कौन हमको पहचानता साहब, कौन पहचानेगा? ये सब हमको पहचानने लगे क्योंकि विद्या। आज यदि ये विद्या नहीं होती तो क्या आप हमें सम्मान देते? हमारी जगह और कोई होता तो उन्हें भी ये सम्मान प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब कोई व्यक्ति को सम्मानित नहीं करता, व्यक्ति को सम्मान नहीं देता, सम्मान देते हैं उनकी विद्या को। इसीलिए कहा गया विद्या विदेश गमने बंधु जन, विद्या परा सबसे उत्तम धन विश व्यक्ति का केवल विद्या है। तो जिस दिन से महालक्ष्मी पुत्री बनकर कोल्हापुर में एक गांव वाले एक गोपालक के घर में जिस दिन से वहां गई, उसी दिन से उसके घर की विद्या बढ़ने लगी, उसके बालकों में संस्कार बढ़ने लगे, माता पिता का सम्मान करने लगे, गौ धन बढ़ गया। और सोचने लगे कि इतना धन कैसे है? समय बीतता गया, समय बीतता गया। लक्ष्मी मतलब जिस रूप में लक्ष्मी उनके घर में रहती थी तो गांव में भी बात लोगों को पता चला कि भाई उनकी लड़की बड़ी सौभाग्यशाली है, जब से उनके घर में आई है तब से उनके घर में सब अच्छा ही हो रहा है। तब से ऐसा हो गया कि यदि किसी को भी कुछ भी तकलीफ होती है तो वो उनके वहां चले जाते हैं और जाके कहते हैं उनकी पुत्री को कि रमा, उनका नाम रमा था, बोले रमा हमारे घर बच्चा जरा बीमार हो गया है। तो वो रमा करते थे, काम करो एक ग्लास पानी लो, उसके ऊपर हाथ रखो, भगवान को प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे बच्चे को रोग दूर करना, ऐसा बोल के पानी पिला दो ठीक हो जाएगा। कभी किसी को मंत्र दे देती थी, ओम ह्रीम नमः मंत्र का जप करो और पिला दो ठीक हो जाएगा, श्रद्धा से करते थे, हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक स्त्री उस गोपालक के घर में गई रमा से मिलने, और रमा को कहा कि रमा
मैंने सुना कि तुम कुछ करती हो और सब ठीक हो जाता है, तो मेरे घर में पैसा टिकता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको ठीक करना है। कहा वाले काम करो, तीन वस्तुओं से धन हमारे घर में स्थिर होता है। एक, नारायण की सेवा करने से। दूसरा, अब देखिए, नारायण की सेवा तो हम सबके घर में होती है। एक, नारायण की सेवा करने से। दूसरा, महालक्ष्मी का व्रत करने से। और तीसरा, अत्यंत सरलतम बताया गया, महालक्ष्मी की कोई उत्तम वस्तु को अथवा किसी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त वस्तु को, अथवा कहीं मंदिर से, कहीं तीर्थ यात्रा से, कहीं कोई अच्छी जगह से आपको कोई ऐसी वस्तु मिल जाए, उस वस्तु को अपने पॉकेट में रखने से, अथवा अपने घर के जहां आप धन रखते हैं वहां रखने से लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम है, जब गुरु प्रवेश करते हैं ना, तो गुरु प्रवेश हम कराते समय माता पिता को, जब मैं जाता हूँ गुरु प्रवेश करवाने, तो दरवाजे की पूजा करके यजमान को बाहर बिठाते और गुरु प्रवेश करने से पहले उनको कहते जाओ मम्मी पापा के पैर छू लो, तो वो लोग मम्मी पापा के पैर छूते हैं। और तुरंत आपको तो पता है कि जब पैर छूते हैं तो खाली हाथ कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए, तो माता पिता अपनी जेब से निकाल कर उनको कुछ पैसा देते हैं। और तुरंत मैं कहता हूँ इस पैसे को प्रयोग मत करना, ये पैसा यूज मत करना, अपने गोलक में रख देना। क्यों? क्योंकि ये माता पिता के उत्तम आशीर्वाद है। तो इसी तरह से यदि हमारे जीवन में हम कोई व्यक्ति को बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, उनके द्वारा मिला हुआ एक सिक्का भी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ओ माय गॉड मूवी मत देखना, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उसमें ये सब बताया कि वो पीछा पीछा रखने से कुछ नहीं होता, अंगूठी से सब कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। यदि श्रद्धा है तो एक पत्थर भी पारसमणि बन जाता है, यदि श्रद्धा है तो पत्थर परमात्मा बन जाते हैं। ये सब विश्वास पर टिका हुआ ये जग है। केवल एक प्रार्थना से हमारा काम हो जाता है। हाँ, एक बात है, कोई वस्तु के पीछे अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने हमको कुछ दिया और यदि खो गया तो ठीक है, गया, अब फिर मन में लेकर रोएंगे नहीं, वो चला गया, अब गड़बड़ हो गया, उसके जाने से ही ऐसा हुआ है, इससे ही ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी कोई निमित्त नहीं होता। पर हाँ, कुछ शुभ वस्तु के लिए कोई एकाध वस्तु यदि जीवन में मिले तो उन्हें अपने पर्स में, पॉकेट में रखना चाहिए। तो वो कैसे प्राप्त किया जाए उसको भी शास्त्र में लिखा है। सेवया श्रद्धया वाक्यम, सेवा के द्वारा। आप रोड पे जा रहे हैं और रोड पे जाते जाते हरिद्वार में कोई बाबा जी मिल गए और बाबा जी ने कहा लो बेटा ये रुद्राक्ष रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, 250 रुपया, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कुछ नहीं होगा, दुकान से खरीदा हुआ नहीं होगा। हाँ, परंतु यदि आपने किसी की शुश्रूषा की है, आपने कोई गुरु की सेवा की है, वो गुरु आपको जानता है कि इसके जीवन में कहीं कुछ है, और यदि वो जानता है, अथवा आपने आपके घर में कुछ पूजा की है, अथवा आपको अचानक कभी कोई स्वप्न आता है और स्वप्न में कुछ वस्तु दिखती है और बिल्कुल वैसे ही वस्तु आपको कहीं से मिल जाती है, सुबह सुबह पूजा करने बैठे और पूजा करने के बाद हम घर से बाहर जाने के लिए निकले और आगे कहीं एक पड़ा हुआ पैसा मिल गया, तो समझो संध्यांते पूजानंते, पूजा के बाद में, संध्या के बाद में ऐसी कुछ वस्तु कभी शुभ उत्तम समय में मिल जाती है, तो समझना ये परमात्मा की ही कृपा है, और उस वस्तु को श्रद्धा से अपने पास रखना चाहिए। एक एक विषय थोड़ा सा कथा से बाहर है, परंतु मुझे आपको कहने में खूब आनंद हो रहा है। ये सब सही है या नहीं, तो एक दृष्टि से देखे तो श्रद्धा से सब कुछ सही है। ये नंग पहना, ये मंगल मंगल का ग्रह पहनना, सही में होता है, ये होता है। सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा, अभी भी नासा में 30 संस्कृत विद्वान वहां पर आज नौकरी कर रहे हैं और हमारे संस्कृत पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको एक बहुत छोटी सी बात, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आप सबको पता है राशि 12 होती है, लगभग सबको पता है, कई लोग टीवी में भी सुबह सुबह देखते हैं आज मेरी राशि ये है, मेरे नक्षत्र ये है। तो ये राशि शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है?
नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, मैं अब अभी कहा बाद में पता चला, बोलो जय श्री कृष्ण। ये राशि शब्द का गुजराती नहीं पता। एक बहुत अच्छे मुझे विद्वान मिले थे मेरे गुरुजी के पास पढ़े हुए, जो अभी नासा में जॉब करते हैं, वो एक बार मुझे मिले, उन्होंने मुझे ये प्रश्न किया कि सागर बताओ राशि शब्द का गुजराती में, उन्होंने बोला राशि ही होता है, हमारे गुजराती न्यूज़पेपर में आता है 12 राशि, हिंदी में भी राशि बोलते 12 प्रकार की राशि होती है, आ देखिए आज आपकी राशि। बोले नहीं राशि शब्द तो संस्कृत है, गुजराती बताओ। मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने बताया भगवत कुमंडल नाम का एक पुस्तक डिक्शनरी है, उसमें से प्रमाण लेके दिखाया कि भाई राशि मतलब होता है रास्ता। जैसे बटन शब्द इंग्लिश है, हम कभी गुजराती में नहीं सोचते, गटर शब्द इंग्लिश है, हम कभी गुजराती में नहीं हिंदी में भी नहीं सोचते कि भाई बटन को क्या कहते हैं, कई चीजें हैं। और आज तो बात ही जाने दो, हमारी हिंदी भी अशुद्ध हो गई है, बोलो जय श्री कृष्ण। हम शुद्ध हिंदी और शुद्ध गुजराती भी बहुत कम बोल पाते हैं। खैर, तो राशि शब्द का अर्थ होता है रास्ता। सज्जनों ध्यान देना, पूरे ब्रह्मांड में 12 रास्ते हैं,